भीमराव रामजी अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय थे। ये विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, समाज सुधारक थे। इन्होंने श्रमिकों, किसानों, महिलाओं और वंचितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिवेत्ता एवं न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक और भारतीय गणराज्य के निर्माता में ये एक थे। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत में स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल व माता का नाम भीमाबाई था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनकी शुरुआती शिक्षा सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में दाखिला ली। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का शुरुआत हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको बचपन में लोग भीवा के नाम से बुलाते थे, जो कि उस स्कूल में उस समय भीवा रामजी अम्बेडकर उपस्थिति पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। 1907 में ये मैट्रिक की परीक्षा पास करके बॉम्बे वीवी के स्नातक शिक्षा में प्रवेश लिया और कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क यूएसए से स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी की। इन्होंने 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की व दिल्ली उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 में पूरी की। 1948 में बाबा साहिब अम्बेडकर को मधुमेह हो गया था। 1955 में लगातार किए गए कामों की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्होंने अपनी पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण दिल्ली में स्थित उनके घर में हो गया। दिल्ली से विमान द्वारा उनके पार्थिव शरीर को मुंबई उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई के दादर चौपाटी पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार को साक्षी मानकर उनके 10 लाख अनुयायियों ने भदंत आनंद और कोशाल्यान द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मृत्यु के बाद बाबा साहिब के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर रह गई थी, जो दलित बौद्ध आंदोलन में अम्बेडकर साहिब के बाद बौद्ध धर्म मानने वाली पहली सदस्य थी। विवाह से पहले इनका नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। अम्बेडकर जी की पहली पत्नी रामाबाई अम्बेडकर थी, जिनकी लंबी बीमारी के कारण 1935 में मृत्यु हो गई। 1945 में बाबा साहिब ने दूसरा विवाह सविता अम्बेडकर के साथ किया। इनकी मृत्यु 94 वर्ष की आयु में 2003 में हो गई। भीमराव अम्बेडकर व रमाबाई की 5 संतानें थी, जिनमें 4 पुत्र यशवंत, रमेश, गंगाधर, राजरत्न और एक पुत्री इंदु थी। लेकिन यशवंत को छोड़कर सभी 4 संतानों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। प्रकाश, रमाबाई, आनंद राज तथा भीमराव, यह 4 यशवंत अम्बेडकर की संतानें हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।